स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल मार्क में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि लिमिट क्रॉस क्या है और लिमिट क्रॉस जो है कब से आधार कार्ड पे लगा है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में यही आप लोग को जो है बताने वाला हूं, तो बहुत ही जरूरी ये वीडियो जो है देखना है आप लोगों को। सभी आधार धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ताकि आप लोग भी जान जाइए कि लिमिट क्रॉस आधार कार्ड में कब जो है लगा था। और जैसे अभी बहुत सारे लोगों को लिमिट क्रॉस के बारे में जो है बिल्कुल भी पता नहीं है। बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे कि क्या आपका आधार कार्ड लिमिट खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का या नेम का, तो उनको जो होता है पता ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आधार कार्ड लिमिट क्रॉस क्या है, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस कब से जो है आधार कार्ड में ये लगाया गया, ठीक है। ये मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, लिमिट क्रॉस जो है आधार कार्ड में जो है पहले 2019 से पहले यानी 18, 17, 16 में कुछ भी नहीं। आप अपने आधार कार्ड में जो है 2018, 19, 17 में जो है पीछे, ठीक है, 19 के बाद से जैसे 18, 17, 16, 15 में आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ जो है एक बार या चार बार भी अपडेट कर सकते थे, ठीक है, या आप नाम को भी जितने मर्जी उतने बार जो है अपडेट कर सकते थे, ठीक है, और जेंडर को भी जो है जितना मर्जी आपको अपडेट करना चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन 2019 के बाद से आधार की तरफ से जो है इस पे लिमिट रख दिया गया, जिसे मान लीजिए नाम में, नाम जो है आप सिर्फ दो ही बार जो है अपडेट कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ जो है आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, और जो है जेंडर जो है आप एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, और एड्रेस अपडेट का जो है उसका कोई भी अभी जो है लिमिट नहीं लगा है। आप चाहें तो कितना बार भी जो है एड्रेस अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2019 से पहले जो है आधार कार्ड में ये जो है लिमिट नहीं लगा था दोस्तों, ठीक है। और लिमिट जो है, लिमिट क्रॉस क्या होता है आधार कार्ड में ये जान जाइए। जैसे 2019 से पहले 18, 17, 16 में हम आधार कार्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को लगा के हम अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा लेते थे, एक से दो दिन में जो है चेंज हो जाता था। लेकिन अभी 2019 के बाद यानी 6 साल हो गया, अभी जो है 2024 चल रहा है, 6 सालों से जो है आधार कार्ड में लिमिट रख दिया गया है डेट ऑफ बर्थ पे, नेम पे, जेंडर पे। बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं है, इसके वजह से जो है एक बार जैसे आधार कार्ड बनने के बाद एक बार जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं। अगर उसके दोबारा जो है अपडेट कर देते हो तो आपका भाई लिमिट क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसी को लिमिट क्रॉस कहा जाता है आधार कार्ड में दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जो है परेशान है, इसका सोल्यूशन होता है लेकिन इसमें समय लगता है, और उसका जो प्रक्रिया है अपडेट कराने का वो रीजनल ऑफिस से ही जो है अपडेट होता है दोस्तों। अगर आप चाहें कि किसी नियर बाय एनरोलमेंट सेंटर या जहां पे आधार कार्ड बनता है वहां पे जाके अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना, तो वहां अपडेट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंट लेके, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, इनरोलमेंट नहीं, जन्म प्रमाण पत्र, इनरोलमेंट जो है आपको करवाना पड़ता है। वहां पे एक फॉर्म मिलता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, इसको हिंदी में घोषणा पत्र बोलते हैं। इसको भर के अपने गार्जियन का भी सिग्नेचर वगैरह कराना होता है, फिर आपको रीजनल ऑफिस जाके अपडेट करवाना होता है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा के उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर में जो है आपको मेल भी करना होता है अपने रीजनल ऑफिस को, फिर जो है आपका 90 डेज में जो है आपका अपडेट होता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग जो है प्रोसेस करते हैं लेकिन अपडेट नहीं होता है दोस्तों। तो इसके वजह से जो है ये आधार कार्ड लिमिट क्रॉस के वजह से हजारों क्या बहुत लाखों लोग जो है परेशान हैं, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आधार कार्ड लिमिट क्रॉस क्या होता है। जब उनको अपने आधार कार्ड में मार्कशीट या किसी डॉक्यूमेंट के मतलब सेम करना होता है, तो वो जो आधार सेंटर पर जाके अपडेट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा जो अपडेट कराए थे वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो वो ही लिमिट क्रॉस होता है दोस्तों, ठीक है। ये 2019 से जो है लागू है, आधार कार्ड में एक बार अपडेट कर सकते हैं, नेम में दो बार कर सकते हैं, जेंडर में जो है एक बार कर सकते हैं, और एड्रेस में जो है अनलिमिटेड बार कर सकते हैं दोस्तों। और 2018 से जो है मतलब उधर जो है आपका 17, 16, 15 उसमें आप कितना बार भी अपडेट करा सकते थे दोस्तों, ठीक है।
तो ये लिमिट क्रॉस जो है क्यों लिमिट क्यों लगाया गया है आधार कार्ड पे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये लिमिट क्रॉस जो है इसलिए लगाया गया था, जैसे बहुत सारे लोग जैसे अभी जिनका एक एज जो है 12 साल ही होता है, तो वो लोग क्या करते थे अपने आधार कार्ड में एज को बढ़वा के और कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते थे। जो 18 साल के कम बच्चों का, ठीक है, जॉब कराना या किसी फैक्ट्री में काम करवाना वो इलीगल होता है, समझ रहे ना। तो इसके वजह से बहुत सारे जो है छानबीन होता था और वो एज बढ़वा के और वो जो कंपनी में घुस जाते थे, ठीक है, और काम करते थे, फिर कंपनी से निकलते थे तो फिर डेट ऑफ बर्थ को कम करवा लेते थे। ये हो गया। और बहुत सारे जैसे वैकेंसी देखने वाले आर्मी लवर जो हो गए, दो दो जगह जो है एग्जाम दे के यूपी बिहार या असम किसी भी स्टेट से क्या करते थे, उधर का मार्कशीट अलग बनवा लेते थे, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के फिर यूपी में जो है चेंज करा के अलग डेट ऑफ बर्थ का बनवा लेते थे। तो इसके वजह से जो है गवर्नमेंट ने बहुत इस पे छानबीन किया, देखता था कि आधार किधर से इधर से करके लोग जो है अपने आधार कार्ड को बना मतलब अपडेट करा के दो दो बार एग्जाम दे के जो है अपने मार्कशीट को वो करा रहे हैं लोग, ठीक है। तो किसी का भी जन्म तो एक ही बार होता है, तो रियल डेट ऑफ बर्थ जो है आपको एक ही मौका मिलता है कि अगर चलिए एक बार भूल गए हैं तो दूसरा बार ना भूलें। तो उसमें भी बहुत सारे लोग भूल जो होते हैं, जो भर्ती देखते हैं आर्मी वगैरह का, तो उनका भी जो है बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने UIDAI ने जो है इस पे लिमिट लगा दिया दोस्तों, ठीक है। तो यही होता है लिमिट क्रॉस। अगर आपका ये स्टेटस शो होता है कि योर आधार इज लिमिट क्रॉस, ठीक है, तो आपका आधार का डेट ऑफ बर्थ जो है या नेम जो है वो लिमिट क्रॉस है, ठीक है, आपको बहुत दौड़ना धूपना पड़ेगा तभी अपडेट होगा, नहीं तो नहीं अपडेट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है लिमिट क्रॉस। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि लिमिट क्रॉस कैसे पता करें कि आपका लिमिट क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वीडियो लेके आऊंगा। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आप जो है देख ले दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।